मेरे भाई चलिए यहाँ पर बात करेंगे द फोर्ड ट्रॉफी ओडीआई जो खेला जाएगा, ए वर्सेस सीटीबी के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ए की टीम जो है मेरे भाई इस सीजन जो है ऑलरेडी मुकाबले खेल रखे हैं। सीटीबी की टीम जो है इस सीरीज में न्यू टीम है और इनका स्क्वाड जो है वो अनाउंस नहीं हुआ है, वो शायद नाइट तक आ जाएगा। वो जो भी है तमाम चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हर सीजन खेला जाता है तो हम लोग सारे प्लेयर के बारे में पता है किनका रिकॉर्ड क्या है, बशर्ते बात रहेगी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाने की और लक भगवान की कृपा साथ देने की। तो मेरे भाई इस मुकाबले को अगर यदि आप हमारे साथ खेलना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ। इनके अलावा जीएल का टीम पिच रिपोर्ट हर कुछ टेलीग्राम पे ही मिलेगा, जो कि शानदार टीम बनाने के लिए काफ़ी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर वीडियो के फर्स्ट कमेंट जो होता है वहाँ पर लिंक होगा, ब्लू कलर में सौरभ सामाजिक 84, उसी पे क्लिक यानी टच करोगे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल 54K सब्सक्राइबर वाले पे आ जाओगे, बिल्कुल फ्री में टीम वगैरह हर अपडेट लेकर जा सकते हो। शुरुआत में मैंने गलत बोला था, ऑकलैंड की टीम जो है खेल रखी है, तो सेंटेबरी की टीम भी बहुत सारे मुकाबले खेल रखी है, लेकिन ड्रीम इलेवन पे वो एड नहीं है। तो तमाम चीज़ हम लोग देख लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। 19-20 हो जाता है, फैंटेसी डेली का काम है तो थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, क्षमा चाहता हूँ। बाकी दोनों टीमों का स्क्वाड ये यहाँ पर दर्शाया गया क्रिक वाज के अनुसार, इस पर मैं 50% मात्र विश्वास करता हूँ, क्योंकि इनको कुछ पता नहीं रहता। ये सिर्फ इंटरनेशनल मैच के लिए ठीक ठाक स्क्वाड अनाउंस करते हैं, बाकी ये काफ़ी लेट गाड़ी चलता है। तो मेरे भाई सबसे पहले ऑकलैंड की टीम जो यहाँ पर खेली थी ओटेगो के खिलाफ गेंदबाजी देखा जाए, फ्रेंड्स की बात किया 3 सफलता ले गया, जॉक की बात किया 7 ओवर में 1 मेडन साथ कोई विकेट नहीं, आदित्य अशोक की बात की जाए 2 विकेट ले गया भाई, ठीक ठाक स्पिनर है। विलियम 8 ओवर में 27 रन दिया, 2 सफलता, ठीक ठाक गेंदबाज है, लेकिन इन लोग का ओवर कट होता है ये बात मानकर चलना होगा। बल्लेबाजी में देखोगे यहाँ से माइकल ने यहाँ पर शतक जड़ दिया भाई, जॉक की बात की जो कि गेंदबाजी भी शायद इन्होंने 7 ओवर का किया था और बल्लेबाजी में भी इन्होंने 66 का योगदान दिया, तो काफ़ी बढ़िया। सी फ्लेचर विकेट कीपर ये भी ठीक ठाक है। सीन सोलिया 30 का योगदान दिया। फेन एलन आपको पता है भाई आक्रामक बल्लेबाज है और T20 का बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर सस्ते में भी जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैकिंग खेलता है। सीन सोलिया ने भी गेंदबाजी के इस वजह से इम्पोर्टेंट ये भी रह जाएगा। तो और यहाँ से देखते हैं जो खेला था ऑकलैंड, पहले बल्लेबाजी के 140 रनों के अंदर यहाँ पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। माइकल्स की बात की जाए तो यहाँ से 35 का योगदान दिया। सी फ्लेचर 20, आदित्य अशोक 23 जो कि हाईलाइटेड रहा। सामने वाली टीम का भी 6 विकेट ले गया। लॉकी फर्गुसन 3, जॉक की बात की जाए मेडर साथ 2 सफलता और सीन सोलिया ने 1 सफलता ले गया। एक मैच इनका जो है लास्ट मैच बारिश की वजह से ओवेंडेड हो गया। दूसरा मुकाबला भाई बहुत बड़ा मार्जिन से विन किया भाई, यहाँ से देखोगे बॉयस की बात की या दोहरा शतक जड़ दिया, वो भाई बहुत अनुभवी प्लेयर है, हर सीजन खेलता है, हर सीजन कमाल ही करता है, लेकिन जितना इस मुकाबले में कमाल किया इतना नहीं भाई। अकेले पे मेरे भाई जितना रन बनाया सामने वाली टीम इनके अकेले रन नहीं बना पाए। जेड फॉलकेस की बात का 49 का योगदान दिया, 2 चौके 2 छक्के धीमी गति से खेला। सामने की टीम भाई 103 रनों के अंदर उलट हो गई, यानी जो बॉयस ने इनिंग खेला उनका आधा भी नहीं बना पाया, बाकी का तो छोड़ दो। सीन डेवी की बात के 3 सफलता ले गया, ठीक ठाक गेंदबाज है मेरे भाई, और ये देखा जाए तो वो बहुत टाइम से तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक इन्होंने डोमेस्टिक में कुछ वर्क किया है और चलेगा गेंदबाजी में। जेट फॉलकेस इनके पास ज़्यादा अनुभव है, बल्ले से भी इन्होंने योगदान दिया था, इम्पोर्टेंट रहना चाहिए। एम रिपोन इनके बारे में तो बताने की हमें लगता है जरूरत है, सबको पता है कमाल का ऑलराउंडर है, कैप्टन बीसी दे सकते हो, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करता है, स्पिन गेंदबाजी करता है। कोल एमसी कौनसी की बात के इनका भी रिकॉर्ड शानदार है भाई, दोनों चीज़ ये भी करता है, इंटरनेशनल में इनका भी डेब्यू हो चुका, हालांकि बल्लेबाजी से 27 का योगदान दिया था, रिपोन 8 का ही योगदान दिया था, लेकिन दोनों कमाल का ऑलराउंडर आप ड्रॉप नहीं कर सकते। हेनरी निकोलस 0 पे चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, इनके साथ ही सारा काम कर दिया था। चलिए तीसरा मुकाबला की बात की जाए तो वेलिंगटन को 129 रनों के अंदर ऑल आउट कर देती भाई, इनके पास ना अच्छे खासे गेंदबाज हैं, एक बार तो 103 रनों पे अभी ऑल आउट कर दिया, एक मैच ओवेंडेड हुआ, इसमें भाई 129 के अंदर ऑल आउट कर देता है 3 विकेट। जेड फॉलकेस यहाँ से ले जाता है और एंगुस मैकेंजी की बात की जाए 5 विकेट, क्या गेंदबाजी किया भाई, इन लोगों की वजह से
एमसी कोंची और रिप्पन को ज़्यादा गेंदबाजी नहीं मिल रहा है। हालांकि गेंदबाज और बल्लेबाज तगड़ा है, बल्लेबाजी देखोगे हालांकि इनको भी 4 विकेट गंवाना पड़ा, लेकिन बॉयस दोहरा शतक के बाद 48 का भी योगदान दिया था इनसे पहले। मैथ्यू की बात के 45 7 चौके 1 छक्के T20 की तरह खेला। बाकी हेनरी निकोलस का फॉर्म थोड़ा गड़बड़ चल रहा है भाई, 0 में इसके बाद ये 19 का योगदान दिया। क्या इनको हम लोगों की टीम पे लेना चाहिए, बड़ा सवाल रहेगा। चलिए हम लोगों ने जो देखने का था देख लिया, अब हम लोग कॉम्बिनेशन देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी मेरे भाई कॉम्बिनेशन देखेंगे, लेकिन इससे पहले यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो जल्दी से जाकर कर लो, बहुत चीज़ें आपको फ़ायदा मिलेगा, तरह तरह का चीज़ें आपको यहाँ पर मिलते रहता है। अब देखो यहाँ से टॉम लेथम तो आपको पता है इंडिया ड्यूटी में है, सी फ्लेचर फिन एलन। अब यहाँ से देखा जाए मेरे भाई फिन एलन को तो मैं अक्सर ड्रॉप करने के मूड से खेलता हूँ, लेकिन बढ़िया विकेट कीपर ना होने की वजह से तो फिन एलन को हम लोग कब पिक करेंगे, जब इसकी टीम पहले गेंदबाजी करेगा, पहले बल्लेबाजी करेगा तो सी फ्लेचर के साथ भी जा सकते हैं। बल्लेबाजी सेक्शन में हेनरिक निकोलस का सिलेक्शन बहुत हाई है, लेकिन ये खराब फॉर्म से चल रहा है, इन बातों को ध्यान रखना है। मार्टिन गप्टिल मार्क चैपमैन ये लोग खेलेगा तो हम लोग देखेंगे अभी जो खेल रहा है उनके ऊपर। डेरी मिचेल तो आपको पता है नेशनल ड्यूटी मैन। सी बॉवेस की बात की है भाई, दोहरा शतक क्या करके आ रहा है, 36% सिलेक्शन है, इनका सिलेक्शन बढ़ेगा ये 100% तय है। ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं जेमी निशाम, ये अगर यदि खेलता है तो टीम पे रहेगा, लास्ट मुकाबला खेला था तो टीम पे ले लेते हैं। रिप्पन यहाँ से रहेगा, सिनसोलिया रहेगा, एमसी कोंची रहेगा यहाँ से, ये भी ठीक ठाक प्लेयर है भाई यहाँ से देखा जाए, और ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये दोनों चीज़ कर रहा है भाई, गेंदबाजी बल्लेबाजी, हालांकि अनुभव थोड़ा कम है लेकिन जितना भी है वो अच्छा कर रहा है। यहाँ से लोकी फर्गुसन रहेगा, मैट हेनरी आपको पता है कहाँ है, जेट फॉल्केस यहाँ से रहेगा, एम रे अगर यदि खेलता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इन बातों को ध्यान रखना क्योंकि रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। आदित्य अशोक क्वालिटी स्पिनर में इनका नाम आता है, हालांकि इनके जगह चाहो तो फास्ट गेंदबाज SDB को यहाँ से पिक कर सकते हो। कैप्टन बीसी के लिए यहाँ से देखा जाए मेरे भाई जेम्स निशम के ऊपर सारे लोग गए, जाना भी चाहिए ठीक ठाक है, लेकिन हमारा कैप्टन एम रिप्पन यहाँ से होने वाला है, और VC के लिए मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि इनके ऊपर जाऊँ, मैं इनके ऊपर चलने वाला हूँ, दोनों चीज़ ठीक ठाक कर रहा है, टॉप ऑर्डर पे आ रहा है। हालांकि ये हमारा फाइनल टीम नहीं रहेगा, फाइनल टीम लाइनअप के बाद चेंज होगा टॉस अपडेट आने के बाद। तो फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट अच्छा जाए, आप लोग भी भगवान से यही दुआ करो।